क्या नाम है आपका? पूजा मंगला। पूजा जी, आप वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वोट डाला, जब वोट डालने के लिए जा रहे थे, कोई मन में डर या भय था? नहीं, कोई नहीं था। कोई जानकारी दी आपको ईवीएम मशीन के बारे में, कैसे वोट डाला जाता है? नहीं, पहले डाला हुआ था। तो आज आपने वोट सही डाला है? अच्छा, लेकिन मुझे फूल पे डाला आपने वोट? हाथ पर दे दी गलती से। अच्छा, लेकिन मोदी को दे रहा था। अच्छा, फिर अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो गलती हो गई, पछतावा है। हाँ। पहले कितनी बार वोट डाल चुके हो आप? दो तीन बार डाल चुके। तो तीसरी बार अगर आप वोट डाल रहे हो, दो तीन बार अगर डाल चुके, तीसरी बार डाल, ऐसी गलती क्यों हुई आपसे? एजिटेशन हो जाती है। नमस्कार, आपका सर, आपका गुड नेम? गुड नेम सर, मेरा श्रीनिवास शर्मा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ नंबर 90। अच्छा, 522 नंबर का जो वोटर है जी, जयदेव। हाँ जी, वो वोट डालने के लिए आया, लेकिन मार्क कॉपी में हमारे पास में ASD लिखा हुआ है। ASD का मतलब है कि या तो उसकी डेथ हो गई है, या शिफ्ट हो गया है, या एबसेंट है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग टू हम वोट उसको नहीं डलवा सकते। जयदेव का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन भी लिस्ट निकाली है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है। इस बारे में मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारे पास जो ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो वोट डालेगा इस समय अधिकारी नहीं है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर उसको वोट डालना है तो हाँ, उसको क्या प्रयास करना चाहिए? इस बारे में मैं नहीं कह सकता, या तो ऊपर से तहसीलदार थे, या कानून वो थे, या जो भी वोटिंग डिपार्टमेंट है जो वोट बनाते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास सबमिट करें कि ये आदमी प्रेजेंट है, हम उसको वोट कास्ट करा देंगे 6 बजे तक। आपका नाम? मेरा नाम जयदेव है जी। जयदेव, आपके साथ क्या, आप वोट डालने के लिए आए हैं? सर, मैं क्या परेशानी हुई आपको? मैं वोट डालने के लिए आया हूँ, और मेरी वोटिंग लिस्ट में ASD का मोहर लगा रखा उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं कि या तो आप मर गए हैं, आप सेंट हैं, या फिर आप वोट कहीं ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन ऑनलाइन जो मैंने सर्च किया है, ये रहा ऑनलाइन, इसमें मेरा स्टेटस देश समाज स्कूल के नाम से ही दिखा रहा है। 522 मेरी वोट नंबर है, और 90 नंबर वोट नंबर। तो अब जैसे कि आपको वोट डालने के लिए आया, लेकिन आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तो अब आप क्या करेंगे? मैं ये कार्रवाई करूंगा, या तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करता हूं, या फिर कहीं जाके देखता हूं, वोट तो मैं डालूंगा। कहां के रहने वाले हैं आप? पलवल का स्थायी निवासी हूं मैं, परशुराम कॉलोनी का। वार्ड नंबर 26। मैडम, आप मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, आप वोट डालने के लिए आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले कभी वोट डाला आपने? वोट बार डाला। अच्छा, आपके साथ आपके जो आसपास के रहने वाली महिलाएं हैं, घर हैं, वो लोग क्या वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? कुछ पहुंचे हैं, कुछ अपना काम देख के उसके बाद पहुंचेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो सुबह से मौसम खुशगवार है, इस समय धूप नहीं है, मतदान अधिक होगा, इसका असर पड़ेगा? नहीं, मौसम जैसे कि पहले गर्मी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो आज मौसम खुशगवार है तो लोग निकल रहे हैं घर से बाहर? सब निकल रहे हैं। अच्छा, पहले भी निकलते हैं, क्योंकि वोट डालना सबका अधिकार है। आपके साथ वोट डालने के लिए आपके साथ कोई आया है? मेरे हस्बैंड आए। अच्छा, उनका भी वोट है या नहीं है? है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? हम ये तो नहीं पूछेंगे किसको डाला आपने, लेकिन ये तो बता सकते हैं आप कि जो आपने वोट डाला है, सोच समझ के डाला होगा? समझ के डाला, जो हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारे देश की सेवा करेगा, हमें इस पर विश्वास है, उसको वोट डाला है।